हाय फैमिली, आज हम बनाने जा रहे हैं मशरूम की सब्ज़ी। 200 ग्राम मशरूम लिए हैं, 2 प्याज लिए हैं बारीक कटा हुआ, 1 टमाटर लिए हैं बारीक कटा हुआ, धनिया पत्ता लिए हैं कटा हुआ, 4 हरा मिर्च लिए हैं बारीक कटा हुआ, अदरक लहसुन का पेस्ट लिए हैं, मसाले में लिए हैं जीरा मिर्च लिए हैं, थोड़ा दालचीनी, 2 छोटा इलायची लिए हैं, 4 लौंग लिए हैं, 2 तेज़पत्ता लिए हैं, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच पिसा हुआ मसाला लिए हैं, 1 चम्मच लाल मिर्च लिए हैं, लाल मिर्च पाउडर। अब हम मशरूम को पानी में हल्का सा 5 मिनट के लिए उबालेंगे। देखिए, अब हम मशरूम को उबालेंगे, ज़्यादा नहीं उबालेंगे, 5 मिनट के लिए हल्का सा उबालेंगे। हल्का पानी डाल के उठा देंगे। चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। अब इसको हम उबाल दे रहे हैं। इसको अब हम ढक दे रहे हैं। चलिए अब देखते हैं, 5 मिनट हो गया, हमारा मशरूम उबला है या नहीं। हमारा मशरूम उबल गया है। अब हम इसको गैस को बंद करेंगे, पानी से इसको निकालेंगे। अब हम इसको पानी से निकालते हैं। इसको पानी से निकाल के तेल में फ्राई करेंगे। ये पानी से निकाल लिए हैं हम, इसको अब ठंडा होने देंगे। देखिए, हम अब मशरूम को आधा टुकड़े के हिस्से में काटते रहे हैं। काट के तब इसको फ्राई करेंगे। देखिए, हम मशरूम सारा मशरूम को काट लिए हैं। देखिए, हम इसको सारा मशरूम को काट लिए हैं। अब इसको हम तेल में फ्राई करेंगे। चलिए गैस की तरफ चलते हैं, अब कढ़ाई बैठाते हैं। अब गैस की तरफ चलते हैं, फ्राई करते हैं। अब इसमें हम तेल डाल रहे हैं फ्राई करने के लिए, रिफाइंड तेल है। देखिए, अब हम मशरूम इसमें डाल रहे हैं फ्राई करने के लिए तेल में। इसको ब्राउन होने तक फ्राई करें। इसको थोड़ा पलटी करते रहें कि चारों तरफ पके। अब हमारा मशरूम हो गया है, अब हम इसको निकालते हैं। इसमें हम अब जीरा मिर्च डालेंगे, 2 इलायची डालेंगे, ये दालचीनी, ये लौंग है, ये तेजपत्ता है। अब हम प्याज, अब इसमें हम प्याज डालेंगे। इसको
हम ब्राउन होने तक भूजेंगे। लगातार इसको चलाते रहे, नहीं तो जल जाएगा। प्याज अब हमारा फ्राई हो गया है, अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर 2 मिनट तक ये भी फ्राई करें। क्या कहूँ, इसमें हम थोड़ा मिर्चा डाल दे रहे हैं, मिर्चा लास्ट में डाले थोड़ा हरा हरा दिखेगा तो अच्छा लगेगा। इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। इसमें हल्का सा पानी डालेंगे। इसको हम ढक दे रहे हैं, ढक के इसको पकेगा, 5 मिनट के लिए ढक दे रहे हैं पकने के लिए। अब हमारा मसाला पक चुका है, अब इसमें हम टमाटर डाल के पकाएंगे। इसको मसाले में मिलाकर अब हम टमाटर मसाले में मिक्स कर दिए हैं, अब इसको हम रखेंगे 5 मिनट के लिए टमाटर ही पकते। चलिए देखते हैं हमारा टमाटर पका या नहीं। देखिए हमारा टमाटर पक चुका है, और अब इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। इसको हम नमक डाल के थोड़ा 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसमें चलिए अब हम इसमें मशरूम डालते हैं। हमारा मसाला पक चुका है, एकदम पक के रेडी हो चुका है, इसमें मशरूम डालेंगे। देखिए अब हम इसमें मशरूम डालेंगे। मशरूम को डाल के इसको मिलाकर इसको भी 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। देखिए अब इसको हम डालते रहे, इसको भी 2 मिनट तक फ्राई कर लें। चलिए अब हम मशरूम को देखते हैं। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, इसमें हम पानी डाल रहे हैं। देखिए इसमें हम थोड़ा धनिया पत्ता डालेंगे। इसको हम ढक देंगे। चलिए अब हम देखते हैं हमारी सब्जी रेडी हुआ है नहीं। देखिए हमारा सब्जी एकदम रेडी हो चुका है। अब हम गैस को बंद करेंगे।
आपको ये सब्जी का रेसिपी अच्छा लगे तो आप भी एक बार बनाकर ट्राई कर सकते करें। देखिए हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। तब तक हम मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।